हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम डीएसएसबी की वैकेंसी की बात करेंगे। आज पूरा दिन से एक पीडीएफ के रूप में मान लीजिए या जेपीजी के रूप में एक पेज जिसमें नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप पे भी आया, फेसबुक पे भी मैंने देखा और बहुत से बच्चों ने अलग अलग जगह अलग अलग माध्यम से उसको बताया। और मैं भी चाहता हूं कि चलो वो चीजें आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं। इसमें डीएसएसबी की भर्ती को लेकर वह वायरल हो रहा है, उसके ऊपर हालांकि मैं उसकी अभी तक सत्यता की जांच न की है मैंने और ना ही मुझे टाइम लग पाया है। इवनिंग पर मैं उसका चेक भी कर लूंगा। मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा था तो डीएसएसबी की साइट थोड़ी सी बिजी चल रही थी तो मैं नहीं कर पाया हूं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं कि टोटल 982 पोस्ट का जिक्र उसमें हुआ है। आइए देखते हैं कौन सी पोस्ट की उसमें बात हो रही है। इसमें अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जूम करके, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहे और आपको ये आसानी से दिख भी जाए। अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आई थिंक अभी आप देख पा रहे हैं इसको यहां पर। यहां देखिए, ये आपकी 5/9/2019 यानी आज 5 तारीख की डेट का नोटिस है ये। इसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, FC18 इंस्टीट्यूशनल एरिया ककडुमा, ये दिल्ली का अपना डीएसएसबी का हेड ऑफिस का एड्रेस है। इसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2754 को दिखाया गया है और इसमें हालांकि इतना साफ नहीं है बट मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ के बताने की। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 03/19 यानी 19। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगे। एप्लीकेशन रिसीव थ्रो एनी अदर मोड शैल बी समरली रिजेक्टेड, यानी अगर किसी और माध्यम से आपने एप्लीकेशन फिलअप किया तो दिया या भेजा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द ओपनिंग डेट की बात और क्लोजिंग डेट की बात यहां हो रही है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16/9/2019 और क्लोजिंग डेट है 15/10/2019, यानी 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म लिए जाएंगे, इस नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। हालांकि मैंने अभी भी इसको वेरीफाई नहीं करके देखा है कहीं से। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट, नीचे दिए गई पोस्ट जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड दिल्ली जल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। लेकिन जो दिल्ली जल बोर्ड वाला है ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली जल बोर्ड वाला ये लॉजिक नहीं आना चाहिए था अगर ये सही तरीके से होता तो। लेकिन फिर भी चलो हम बात कर लेते हैं एक बार। पोस्ट कोड 15/19 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू लिया जाएगा। हालांकि इसका ग्रेड पे जो है 4200 वाला बताया गया है। टोटल पोस्ट इसकी 637 हैं, जिसमें 32 ईडब्ल्यूएस की हैं, 332 जनरल की हैं, 119 ओबीसी की हैं, एससी की 115 हैं, एसटी की 35 हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की 29 हैं। यानी यहां पर अगर बात देखेंगे तो आपके लिए यहां 637 पोस्ट हैं। 16/19 जो पोस्ट कोड है उसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है, 4200 का पे ग्रेड यहां भी है। टोटल पोस्ट इसकी 141 हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 8, जनरल के लिए 77, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 09 और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 11। अगर आप बात करेंगे पोस्ट कोड 17/19 की, ये जेई का है, सिविल का, जूनियर इंजीनियर का, अगर इसमें आप देखेंगे तो डीजेबी के थ्रू है, ये दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू है। हालांकि जो दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू हो सकता है कि उसकी वजह से उन्होंने इस नाम को यहाँ पर डाल दिया हो। इसमें 4200 का पे ग्रेड रहेगा, 204 पोस्ट हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 20, जनरल की 55, ओबीसी की 63, एससी की 39, एसटी की 27, यहां भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ट की ये है। तो दोस्तों ये टोटल जो चीजें आपको बताई हैं ये इसी के अकॉर्डिंग है। इसमें द डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, ये सारी अवेलेबल हो जाएंगी एनवीएस की वेबसाइट पर। इसको आप लोग dssbonline.nic.in पर भी जा सकते हैं या फिर dssb.delhi.gov.in पर भी देख सकते हैं। 15/10/2019 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे ये कह रहे हैं, और 15/10/2019 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। हालांकि ये सारी चीजें मैंने भी एक बार सोचा कि मैं क्रॉस चेक करूं, लेकिन साइट वगैरह बिजी होने की वजह से नहीं देख पाया। फिर भी दोस्तों अगर ये आ जाती तो एक दो दिन में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप भी साइट पर चेक कर सकते हो। मुझे भी अगर मिल जाएगा जो शाम तक मैं इसको चेक करके आपको भिजवा दूंगा, ज्यादातर बच्चों को व्हाट्सएप वगैरह पे भी, वैसे भी। तो ये कुछ चीजें थी जो आज की वीडियो में जरूरी थी।
आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैंने काफी दिन पहले बताया था कि डीएसएफ वैकेंसी बड़ी जल्दी आ जाएंगी, तो अगर ये सत्य है तो आपकी जो हमारी जो संभावनाएं थी वो आज पूरी हुई, और नहीं तो जल्द भविष्य में आपको नौकरियां डीएसएसबी में, केवीएस में, दूसरे डिपार्टमेंटों में जरूर मिलेगी। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट का ऑलरेडी सारी डिटेल आ चुकी है, एनवीएस का आपका एग्जाम होने वाला है, सभी के लिए तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।